पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, इंडियन रॉ एजेंसी के मुलव्वस होने के सबूत मिल गए, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब, चारों दहशतगर्द सिर्फ 8 मिनट में जहन्नम बासल। मजीद वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल दानियल हसन टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आज 10 बजे 4 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इन तमाम दहशतगर्दों की उम्र 22 से 24 साल बताई जा रही है। इस अफसोसनाक वाक़े में पुलिस अहलकार और 4 गार्ड्स भी शहीद हुए। चारों दहशतगर्द जिस गाड़ी में आए थे इसकी नंबर प्लेट भी जारी निकली। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इंजन नंबर की मदद से जल्द गाड़ी के मालिक को पकड़ लेंगे। ताहम ये दहशतगर्द सिर्फ 8 मिनट में हलाक कर दिए गए। पाकिस्तान रेंजर्स, पुलिस और सिक्योरिटी अहलकारों ने इन दहशतगर्दों का इंतहाई बहादुरी से मुकाबला किया और सिर्फ 8 मिनट में तमाम दहशतगर्दों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया। डीजी रेंजर्स का कहना है कि इस वाक़े में बदनाम जमाना इंडियन एजेंसी रा के मुलव्वस होने के शवाहद मिले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत को हर तरफ से मुंह की खानी पड़ रही है, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई कि बहादुर चाइनीज फोर्सेज ने लद्दाख में भारतीय फौज को ऐसा सबक सिखाया कि मोदी सरकार बिलबिला उठी। चाइना को देखते हुए नेपाल और श्रीलंका ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत अपने नापाक अजायम से बाज नहीं आ रहा और आज इसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला करवा दिया। लेकिन भारत को ऐसा थप्पड़ पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्स ने रिसीव किया जिसकी गूंज लंबे अरसे तक भारत को सुनाई देती रहेगी। मोदी सरकार भारत का दरन तख्ता करने पर तुली हुई है और वक्त करीब आ चुका है। भारत जो दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी के हमले करवाता फिर रहा है, इसके टुकड़े होने वाले हैं और वक्त करीब है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया और पूरी दुनिया में बहुत बड़ी इस्लामी ताकत बनकर उभरेगा। हमारा मशवरा तो मोदी सरकार को यही है कि अपने घर की खैर मनाए और इन ओछे हथकंडों से बाज आ जाए। लेकिन वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, इसलिए मोदी सरकार और भारत का भयानक अंजाम बहुत करीब है। हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि हर कोई भारत और मोदी सरकार के नापाक अजाइम से वाकिफ हो जाए।